نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. जमाना जाहिलियत में औरतें दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। अच्छा जी, अब जमाना जाहिलियत में नहीं ओढ़ती थी और आज आज दुपट्टे नहीं ओढ़ती हैं, ऐसे ही लगता है ना। और इस आयत के नजूल के बाद मुसलमान औरतों में दुपट्टा राइज किया गया, जिसका मकसद ये था कि इसको ओढ़कर सर, सीना और कमर सब अच्छी तरह ढांप लिया जाए। दुपट्टा बारीक नहीं होना चाहिए, बारीक दुपट्टे से वो मकसद हासिल नहीं होता जिसके लिए दुपट्टा ओढ़ने का हुक्म दिया गया है। और सिर्फ अगर दुपट्टे पे बात की जाए तो आजकल की हमारी जो दुपट्टे हैं वो ऐसे लेती हैं जैसे वो हमारी न्यूज एंकर्स लेती है ना, बिल्कुल पट्टी सी बना के ना गर्दन के साथ रख लेती है। और मुझे ऐसे में याद आता है कि मेरी भाभी का कुछ काफी साल पहले जब उसके हमने रिसेप्शन की थी, शी इज आयरिश, तो उनकी जब हमने यहाँ पे रिसेप्शन की तो यहाँ पे वो कपड़े खरीदने गई बाजार में। बाजार में जब वो कपड़े खरीदने गई तो अब वो गई उमर सईद के पास, गई कुछ ऐसी बुटीक्स थी उनके डिजाइनर्स के पास गई। अब वहां पे उन्होंने लिया, देखने लगी तो उसने बड़े बड़े उनको अच्छे खूबसूरत दिखाए, बड़े फ्लोई। तो उसने कहा जी, भाभी मेरी अंग्रेज थी तो उसने पूछा कि वेयर इज द स्लीव्स। उन्होंने कहा जी देयर इज नो स्लीव्स। वो बड़ी हैरान हुई, वो पाकिस्तान में पहली दफा आई थी, उसने कहा है ये क्या बात हुई कि वो सूट है और उसके बाजू नहीं। अच्छा जी, वो सूट लेने लगी तो कहते वेयर इज द दुपट्टा, तो उसने कहा देयर इज नो दुपट्टा। तो वो और ज्यादा शॉक्ड हुई मुझे इधर देख के, उसने कहा कि साइमा ये 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 पाकिस्तान है, आई मीन कि मैं यहाँ पे ना बाजू है और वहां पे मैं जब कोई चीज पहनती थी तो योर अम्मी यूज टू से मी के बाजू कवर करो, तो यहाँ पे तो स्लीवलेस चल रहा है और दुपट्टा भी नहीं है। तो आप ये देखें कि इस कदर ये, इसके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जो फैशन इंडस्ट्री के जो लोग हैं ये ट्रेंड भी वही सेट कर सकते हैं। अगर यही वो ट्रेंड सेट कर लें, खूबसूरत बड़े बड़े पूरे फुल बाजू बना दें, दुपट्टे प्यारे प्यारे से लें कि दुपट्टे को कम से कम दिखाने के लिए लोग घुमार के इसको खोल कर लें कि ये दुपट्टा है और इसकी ब्यूटी देखें कि कितने एम्बेलिशमेंट इधर हुई है या उधर हुई है। तो कहने की बात यह है कि हमने दुपट्टे को आजकल एज अ मजाक ही लेते हैं। दुपट्टे की इम्पोर्टेंस यकीन जाने के लड़कियां तो छोड़ें, आजकल की जो बड़ी उम्र की औरतें हैं लिटरली वो अपने आप को ज्यादा यंग दिखाने के लिए, ज्यादा अप टू डेट और ज्यादा ग्रूम्ड दिखाने के लिए ऐसे एक साइड से हैंडबैग पकड़ती हैं और कोई दुपट्टा ही नहीं होता। कई मैंने लेडीज को देखा है अच्छी खासी उम्रों की, मेरी अम्मी की उम्रों की, वो दुपट्टा ही नहीं होता। और मैं फिर भी देखती रहती शायद इधर साइड पे इधर कहीं गिरा पड़ा हो या कुछ हो रहा हो, लिटरली वो दुपट्टा होता ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आती ये कैसा फैशन है, ये कहाँ जा रहा है। खुदा के वास्ते ये जो कोरोना आ गया, अगर हमने इससे भी कोई इबरत नहीं हासिल की, यकीन जाने ये जिंदगी इस वक्त हमें बोनस पे मिल रही है। बोनस यानी कि फ्री अल्लाह ताला दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं कि बंदे संभल जा। अगर अभी भी हमने अपने आप को नहीं संभाला, अपनी आल औलाद को नहीं संभाला, हमने पर्दे के अहकाम पूरे नहीं किए या हमने अल्लाह के अहकाम, वही बात है, उनको पूरा नहीं किया, तो बहुत बड़ी जवाबदेही है। बहरहाल इतने सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं, मैंने कभी भी पर्दे पे और इन तमाम चीजों पे इतना एज सच नहीं फोकस्ड किया। अब हम कुरान के स्टूडेंट हैं और आयात हम पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि प्लीज कम से कम हमारा जो दुपट्टा हो वो दुपट्टा कहलाने के मुस्तहिक हो, और दुपट्टा जहां लिया जाता है वो वहीं पर लिया जाए। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि आगे बात आ जाती है, तो दुपट्टे पे आगे बहुत कुछ है, अगर हम सिर्फ दुपट्टे पे बात करें, फिर ये है कि जीनत के साथ औरत अपने महरम मर्दों के सामने आ सकती है। एक यहाँ पे ये हुक्म भी आ गया आयत नंबर 31। एक बड़ी उसमें वुसत है इस आयत में कि जीनत से मुराद खुशनुमा कपड़े, जेवर और चेहरे का बनाव संगार है। ठीक है जी, आजकल आप देख लें कि हम औरतों का 24 घंटों में से जितना वक्त हम मोबाइल पे या जितना सोने के अलावा हमारा होता है हम ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे होते हैं जी। कपड़े क्या ब्रांड, कौन सा, किस तरह के, जेवर,
इसी तरह मेकअप की इतनी चीजें आ गई हैं कि पहले जमाने में एक काजल और एक सुरमा होता था, दिस इज एनफ, और एक पाउडर होता था, लो जी आपका मेकअप मुकम्मल। बहुत दिल किया तो एक मेरी बहन है वो लिपस्टिक की थोड़ी सी ना ब्लश ऑन पे चीक्स पे लगा के उसको ब्लश बना लिया और खुश जी हमने मेकअप कर लिया। आजकल तो मेकअप की जो चीजें और जितना हमारा पैसा इन चीजों पे लग रहा है, हाइलाइटर नहीं लगाया तो आपने तो गुनाह कर दिया, आपने तो पता नहीं किस सदी का मेकअप किया अगर आपने कोई वो प्रॉपर हाइलाइटर नहीं लगाया, आपने वो आर्टिफिशियल लैशेस नहीं लगाए, और आर्टिफिशियल लैशेस में भी इतनी एक्साम, आज मैं देख रही थी रेनबो लैशेस भी मैंने देखी, कुछ मैग्नेटिक लैशेस देखी, यानी के हद हो गई है, यानी के इंसान जो है आर्टिफिशियलिटी के, वो कहते ना ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, तो इसी तरह हम लोगों ने इतने अपने आप को इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व कर लिया, और अल्लाह ताला कहते ठीक है करो सब कुछ करो, करो तो अपने हस्बैंड के लिए करो। तो मुझे आप लिटरली खुद अपने आप को असेस करके बताएं कि जब शाम को हमारे हस्बैंड जाते हैं तो हम किन सूरतों में, किन हुलियों में उनके सामने पाई जाती हैं, सुबह की थकी हुई हारी हुई फलाना की हुई, मियाँ आता है तो बुरे जिसको कहते हैं वर्स्ट हालत में होती है, तो फिर हम क्यों ये सवाल करते हैं कि मेरा मियाँ दूसरी औरतों को क्यों देखता है या वो मेरे में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता। आपका हस्बैंड आए वो जो हक है कि आप उसको परफ्यूम लगा के एक बेहतरीन कपड़े पहनकर बेहतरीन मेकअप और गेटअप में उसको रिसीव करें, हम क्या करते हैं ये मेकअप ये कपड़े ये बनाओ संगार हम दूसरों के लिए करते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ड्राइवर के साथ जब बच्चों को स्कूल लेने जाती थी तो जब मैं ड्राइवर बैठती थी ना, ये तब की बात है जब मैंने भी कुरान और ये तमाम चीजें भी नहीं की थी, तब भी मैं सबसे पहले सोचती थी सबसे पहले तो ये ड्राइवर मुझे देखता है कि बाजी ने आज बड़ी बनी हुई है या व्हाटएवर जो भी कुछ गेटअप किया हुआ है, तो तब भी मेरे जेन में आता था कि ये मुझे सबसे पहले देखता है। तो आप ये देखें कि हम ये बनाओ संगार जिसके लिए करना था उसके लिए तो करते नहीं, वो हम कहते हैं वो शादी से पहले तक की बात। अब शादी से पहले आप कितने अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं, दोनों बेहतरीन हालत में मिलते हैं, बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, मेमोरेबल टाइम मनाते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों में चले जाते हैं, ठीक है। अब जब शादी के बाद जब आपने हमेशा मिलना है तो अब क्या होता है, हर वक्त तेवरी चढ़ी हुई होती है, एक दूसरे से नाला होते हैं, एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं कर रहे होते, या हमारे हुलिये ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं यार स्मेल आ रही है या हुलिया बगाड़ा होता है। तो यहाँ पे जो बात हमने एक कुरान और हदीस की रोशनी में वो ताल्लुकात पे कर रहे थे, अज़दवाजी ताल्लुकात पे, तो यहाँ पे वही बात आ जाती कि अपना बनाओ संघार करें अपने हस्बैंड के लिए। अब इसी आयत में हमने पढ़ा कि बनाओ संघार के साथ किन किन रिश्तेदारों के सामने आ सकती हैं, वो इस आयत में बताया गया। महरम रिश्तेदारों के अलावा खादमों के सामने जो जेरे दस्त भी हों और औरत से उनकी कोई रगबत ना हो, यानी कि ऐसे छोटे बच्चे, आपस की बात है आजकल तो मैं छोटे बच्चों को भी नहीं कहूंगी, आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आजकल के हमारे मुलाजमों के जो बच्चे होते हैं ना, ये वो बच्चे होते हैं जो एक रूफ की पैदावार होते हैं, यानी कि उनका एक कमरे का घर होता है जिसमें वही माँ बाप ने 10-10-12 बच्चे पैदा किए हो रहे होते हैं, या 5 बच्चे या 4 बच्चे, उन्होंने उनकी प्रिवेसी भी वही है, उनकी सब कमरा भी वही है, तो वो उसमें उनकी जहनी तौर पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा हाई होती है। तो मैं सोचती हूँ कि आजकल के हमारे बच्चे भी जो छोटे बच्चे हैं वो छोटे बच्चे भी हर उस चीज को जानते हैं। जैसे वाकये इफ्क में हमने पीछे पढ़ा था कि जो सफवान भी मुअत्तल थे वो काफले के पीछे पीछे आ रहे थे और हजरत आयशा वहां पे ऑलरेडी सोई हुई थी, तो वो आप उनके पास खड़े हो गए तो उन्होंने अपना चेहरा ढांप लिया क्योंकि सूरह अहज़ाब में पर्दे का हुक्म नाजल हो चुका था। तो जो मैं बात यहाँ बता रही हूँ तो ये आपका जो चेहरा है, तमाम बदन में चेहरा ऐसा उजू है जिसमें गैरों के लिए दिलकशी और सबसे ज्यादा सामान होता है, फिर अगर इसी ही पर्दे से एग्जेम्प्टेड करार दिया जाए तो फिर बाकी हजाब की क्या अहमियत रह जाती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आती हूँ, ज्यादा तल्ख बात ज्यादा सख्त बात नहीं करूंगी, जिसने समझना है वो समझ जाए कि ये चीज है। इससे मुराद है कि हाथ और चेहरे का जो हुक्म है वो भी हजाब से, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये इसमें भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल आती है कि आपका हाथ और चेहरा जो है वो भी हजाब में आता है कि नहीं, लेकिन उसका मैं बेहतरीन आपको बता देती हूँ। जो हज और उमरा हम जब करने जाते हैं तो वहां पे जब लेडीज वहां पे ड्यूटी पे खड़ी होती हैं तो आप देखते हैं उन्होंने हाथों तक में ग्लव्स पहनाए होते हैं,
उन्होंने पाँव तक को उन्होंने ढांपा होता है, उन्होंने वो निंजा वाला, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमें शायद यही समझ आता है, वो वाला उस तरह का उन्होंने पर्दा किया होता है, सिर्फ वो नजर आ रही होती है। तो इब्ने अब्बास और अबू अबैदा ने फरमाया कि मोमनों की औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो चादरों से अपने सर और चेहरों को ढांप कर रखें, मगर एक आंख खुली रख सकती है ताकि मालूम हो सके कि वो आजाद औरतें हैं। और अल्लाह ताला ने मोमनों की औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो अपने घरों से किसी जरूरत के तहत निकलें तो चादरों से अपने सरों के ऊपर से चेहरों को ढांप लें और सिर्फ एक आंख जाहिर करें। तो ये तो जाहिर है कि जलबाब का ताल्लुक घर के बाहर की दुनिया से है, जिसका मतलब है कि सैयदा इब्ने अब्बास घर से बाहर मुकम्मल पर्दा यानी कि चेहरे समेत के कायल हैं। इनके मौकफ में अगर कुछ लचक है तो वो घर के अंदर की दुनिया में, यानी कि अगर आप घर के अंदर हैं और ऐसे रिश्तेदार आ जाएं जो महरम नहीं है तो उनसे हाथ और चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, ये एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया। फिर हम देखते हैं कि आपकी बॉडी की जो फिजिकल जो फीचर्स हैं, इनमें से सबसे नुमाया चीज औरत का, औरत की चेस्ट होती है और उसके जो, अब मैं क्या कहूँ, उसके जो उभार होते हैं और जो मर्द के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। लिहाजा मुझे इसलिए बात ऐसी क्लियर कहनी पड़ी है कि एक्चुअली हमने दुपट्टा इसी को ढांपने के लिए लेना है। हम में से अक्सर आप याद करें कि अगर कई लोग बहुत दुपट्टा लेती हैं, कई आप लोग अबाये में देखती हैं, बड़े मजे से बड़े उन्होंने मोपेट से सर पे रख कर ना बड़ा सा ह्यूज सा उन्होंने सर पे ना एक वो घोंसला सा बना के उन्होंने ना बड़ा कोई स्कार्फ लिया होता है और सारा वो करके, और उसके बाद जहां पे ढकना था आपका चेस्ट थी आपकी कमर थी वहां पे पर्दा है ही नहीं। बहरहाल जाहिलियत में भी औरतें अपना खुमार सर पे डालकर इसके दोनों पल्ले पुश पे लटका लेती थी और इस तरह उनकी जो चेस्ट थी वो मजीद प्रोमिनेंट हो जाती थी। और आज की महजब सोसाइटी वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही कर रही है। दुपट्टा लेना तो दूर की बात है, अगर ले लें तो गले में रस्सी की तरह डाल लेती हैं और इसी तरह अपना जो दुपट्टा सारा पुश पे डाल देती हैं। इस तरह सर और चेस्ट दोनों ही नंगे हो जाते हैं। अलबत्ता दुपट्टे का नाम जरूर बदनाम किया जाता है। कुरान करीम ने ये तरीका बताया है कि वो दुपट्टे को सर पे ला के गरेबान पे डालें, इस तरह सर कान गर्दन चेस्ट सब आजाद छुपे रहे। हजरत आयशा फरमाती है कि जब ये आयत नाजल हुई तो मदीना की औरतों ने अपने तहबन यानी कि मोटा कपड़ा फाड़कर इसकी ओढ़निया बना ली। ये भी एक ऑथेंटिक बुखारी की हदीस में से है। अब कुरान करीम में और दूसरे मुकामात पे 12 किस्म के लोग या रिश्तेदारों का जिक्र आया, ये जो इस आयत में आया ना, जिनसे हजाब की जरूरत नहीं है, अलबत्ता सतर के अहकाम बदस्तूर रहेंगे। ठीक है जी, मैं आपको रिपीट करती हूँ, हजाब की जरूरत नहीं है लेकिन सतर के काम जो है वो रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि ये वो लोग या वो रिश्तेदार है जिनके सामने औरतें अपनी जेब और जीनत का इजहार कर सकती, जिसमें 8 यहाँ मजकूर है। ये रिश्तेदार ऐसे हैं जो अब्दी तौर पर महरम है, महरम यानी कि जिनके सामने वो ऐसे आ सकती हैं, जैसे कि आपके हस्बैंड, आपके बाप, आपके सुसर, आपके हकीकी बेटे, आपके सुतेले बेटे, आपके भाई, आपके भतीजे और भांजे। फिर इनमें से वो रिश्तेदार भी शामिल हो जाते हैं जो रजात की बिना पे हराम हो। मसलन रजात मैं आपको बता दूं, रजात होता है कि जब मदर फीट में कोई आपके कोई और आपके साथ मदर फीट ले ले। और मदर फीट में भी मैं आपको बता दूं कि अक्सर एक जमाने में होता था कि बच्चे जब इकट्ठे भाभियों के सबके इकट्ठे बच्चे रो रहे होते थे, एक ही उम्र के होते थे, अगर एक बच्चा रो रहा है तो एक वो अपने मोहब्बत से अपना मदर फीट पे ला देती थी, फुप्पी पे ला देती थी, खाला पे ला देती थी। तो वो जो एक आध दफा जो एक आध घूंट बच्चा लेता है उससे वो रजात का रिश्ता साबित नहीं होता। इसमें भी ये है कि बच्चा इतना दूध पिए कि वो उसका पेट भर जाए तो तब रजात का ताल्लुक जो होता है वो एक फिर वो जो होता है ना फिर लागू होता है। तो फिर इसमें आपके रजाई बाप, रजाई भाई, रजाई बेटे वगैरह जो है बच्चे ये शामिल हो जाते हैं। और फिर हमने इसी में देखा अब कुरान करीम में जो लफ्ज आ रहा है ना औ निसा इहिन्ना, यानी कि अपनी औरतों से भी
अजहार जेब व जीनत में कोई हर्ज नहीं, तो ये नौवीं किस्म है। अपनी औरतों से मुराद है आपस में मेल मुलाकात रखने वाली मुसलमान औरतें, ठीक है, जो एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं, एक दूसरे पे एतबार रखती हैं, ठीक है जी। अब इन्हीं के जैसे आपके एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, या आपका जो एक सोशल सर्कल है, या आपका अपनी रिश्तेदारों का है, तो आप उनके सामने मतलब एक अच्छे तरीके से आप अपना जीनत और उसका इजहार एक दूसरे के सामने कर सकती हैं। अच्छा, इसमें से भी थोड़ी सी ऑप्शन ये आ जाती है कि इसमें कुछ वो लोग आ जाती हैं जो गैर मुस्लिम हैं या ऐसी अनजानी औरतें हैं, तो ऐसी औरतों से अपना जेब और जीनत छुपाने का और हजाब का वैसे ही हुक्म है जैसे गैर मर्दों से है। अब इसकी वजह क्या है? वजह शायद मैंने आज ही के लेक्चर में आपको शायद पहले भी बता दी थी, क्लियर कर दूं कि ये कि औरतें वो होती हैं, यानी कि ये वो औरतें जिनको आप जानते नहीं, ठीक है, और हो सकता है ये वो औरतें हों जो आपकी जेब और जीनत का जिक्र बाहर जाके किसी गैर मर्द के साथ कर ले, या किसी गैर मर्द को मोटिवेट करें कि ये इस तरह के इसके फीचर्स ऐसे हैं। तो बहरहाल ये एक फिर शैतान की ऐसी औरतें नुमाइंदगी करती हैं, या फिर वो एक घर की भेद की बातें दूसरे के घर में बयान करके फहाशी फैलाती हैं। तो ऐसी औरतों से परहेज की सख्त जरूरत होती है, और हमें देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो आपकी गेट टुगेदर में शामिल हैं। तो बहरहाल एक थोड़ा सा इस पे हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हीशी होते हैं जिसको हम हिजड़े कहते हैं, इनसे भी हजाब का हुक्म दिया है। दौरे नबी का एक वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला के तशरीफ ले गए, तो घर में हिजड़ा था, और वो सैयदा उम्मे सलमा के भाई अब्दुल्ला बिन अबी से कहने लगा, अगर अल्लाह ने कल ताइफ फतह करा दिया तो मैं तुम्हें गैलान की बेटी की निशानदेही करूंगा, वो अगर सामने आए आए आती है तो चार सलूट लेकर, और पीठ मोड़ती है तो आठ सलूट लेके, नाउज बिल्ला। मतलब उसका ये था कि उसका बदन खूब गुथा हुआ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली और फरमाया कि ये हिजड़ा आइंदा कभी तुम्हारे पास ना आए। हाँ, वो लोग होते हैं कि जिनको औरतों के मामलात में इंटरेस्ट नहीं होता, हाँ, उनके दाखले पे पाबंदी नहीं है। देखें, ये वही मैंने बताया ना कि अल्लाह ताला ने हमारी औरतों के अंदर बड़े अच्छे सेंसेस लगाए हुए। हम समझ सकती हैं कि ये औरत और या ये जो ही शी जिसको आप कहते हैं, ये या एक औरत वो किस नियत से और किस तरह से आपके पास बैठी हुई है, ठीक है जी। फिर आगे ये है कि अब यहाँ किसी आयत में आया कि नौकर चाकर और शागिर्द किस्म के लोग, ये 11वीं किस्म है, मगर ऐसे लोगों से जेब और जीनत के इजहार की रुख्सत सिर्फ उस सूरत में है। बहरहाल ये फिर कुछ हो जाएगी कि जिनमें जिनमें कोई ऐसा शऊर ही ना हो, लेकिन बहरहाल आपके जैसे ड्राइवर हैं, खान सामे हैं, आजकल के जो हमारे बहरे हैं, इनके सामने हजाब की रुख्सत की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है जी। अब देखे ना, जैसे अब आप घर में कोई मुलाजिम रखते हैं, अब आप देखते हैं कि वो मुलाजिम कैसा है, ये आप जानते हैं। जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बताया कि वो छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल वेल अवेयर होता है, तो ऐसी चीजों पे आपने खुद देखना है कि ये इसके सामने मैंने किस हजाब से या किस तरह से आपने जाना है। फिर उसके बाद बच्चे और लड़कों से ये रुख्सत उस वक्त तक है, ये 12वीं किस्म है, जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, यानी कि 10-11 साल तक के बच्चों के सामने भी औरत बेहिजाब रह सकती है। और वही बात है कि वो भी आप देख लें कि वो बच्चे, वही मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल जो प्यूबर्टी की स्टेजेस हैं या मेंटल अवेयरनेस है, और जिस तरह के आजकल स्कूलों में तालीम और नेट इतना आम है कि बच्चे बहुत जल्दी इन तमाम चीजों के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन बहुत हाई हो जाती है। बहरहाल ये अभी आपको मैंने 12 वो बताए, अभी आयत नंबर 31 चल रही है। अब इसी के अंदर एक पॉइंट है, चाल पर पाबंदी, ठीक है जी। आज के बाद हमने अपनी चालें देखनी है कि मैं चल कैसे रही हूं, ठीक है जी। अच्छा जी, यानी औरतें इस अंदाज से अपने पांव जमीन पे ना मारें या रख कर ना चलें कि इनके जेवरों की झनकार सुनाई दे और ये मालूम हो कि उसने क्या जेवर पहन रखा है। अगर ऐसे वो छन छन करते हुए चलेंगी
तो फिर क्या होगा, उनकी आवाज से कोई दूसरा गैर बंदा कुछ गलत ख्याल उनके दिमाग में आ सकता है। ठीक है जी, ये आप देख लें कि जैसे एक जमाने में बड़ा आता था वो कुमकुम के कंगन, मुझे याद है मेरी बहन की शादी थी तो हम तब ढूंढ रहे होते थे कि यार वो कुमकुम वाले वो जो नहीं, वो जिसमें बड़े वो कुछ चीजें लटक रही होती थी और बड़े वो आवाज आ रही होती थी। तो यहाँ पे ये चीज बताएगी कि जेवर आपको पहनने का शौक है, जरूर पहने, लेकिन उसमें घुंघरू या ऐसा ना हो कि वो छन छन करता फिरे, और उसी के अंदर आपकी जूती भी आ जाती है टक टक टक। तो वो जूती कई ऐसी होती हैं कि आप नीचे उसके फिर नीचे कुछ वो ऐड कर ले जिससे उसकी आवाज ना आए, या अगर आए तो फिर बहुत आहिस्तगी से आप जो है उस पे पाँव रखें। तो जमीन पे पाँव मारकर चलने से रोक दिया गया कि अजहारे जीनत ना हो जाए। अब खुशबू भी अजहारे जीनत है, इसे भी सख्ती से मना किया गया है। जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले, इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह कबूल करे और शरह सदर अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोमनो तुम सब मिलके तौबा करो, यानी कि पहले जो गलतियां हुई इनसे तौबा करो और आइंदा अपनी इस्लाह करो। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि अगर एक औरत खुशबू लगा के घर से चले और उसकी खुशबू एक गैर महरम के नाक में या वो सूंघ ले तो उस पे गुसल फर्ज, उस औरत पे गुसल फर्ज हो जाता है। बहुत सख्त बात है लेकिन कुरान ने कहा है, मेरे और आपका ख्यालात नहीं है। मकसद ये है कि हम सबको बहुत शौक है परफ्यूम्स लगाने का, जरूर लगाएं, पर इतना लगाएं कि आपको आपको अपनी खुशबू आए या आप यू फील गुड। ठीक है जी, हम लोग इतना परफ्यूम छिड़क लेते हैं कि यूं लगता है कि जी आपकी ना परफ्यूम की दुकान है, इतना छिड़क लिया कि आप जब घर से निकल के बाजार, बाजार से लेके सड़क तक पूरी खुशबू के मतलब इतने ज्यादा उसमें से आपकी वो फ्रेग्रेंस उठ रही होती है। इतना लगाएं जो आपकी स्मेल को खत्म कर दे या जो आपके लिए बेहतर हो, मतलब बहुत टू मच जिस तरह हम लगा लेते उस चीज पर है। और फिर कहते हैं कि जिन औरतों के शौहर घर मौजूद ना हो, ये जैसे पहले आ चुका है, इनके पास ना जाओ क्योंकि शैतान तुम में से हर एक शख्स के अंदर खून की तरह गर्दिश कर रहा है। एक और हदीस में आया कि जो शख्स अल्लाह और रोजे आखरत पे ईमान रखता है वो कभी किसी गैर औरत से तन्हाई में ना मिले जब तक कि उसके साथ इस औरत का महरम ना हो, क्योंकि तीसरा उस वक्त शैतान होता है। आप देखें कि यहाँ पे कौन कौन सी सूरतें, ये उमन सूरतें होती हैं जब हम किसी कारी साहब को अपॉइंट करते हैं, और आपने कारी साहब वाले भी बहुत से वाकयात सुने होंगे। तो प्लीज अपने बच्चों बच्चियों को जब आप कारी साहब के साथ पढ़ाएं तो ऐसी जगह पे पढ़ाएं जहां आप खुद बैठी हुई हो, या उनकी नानी या दादी को रखें कि उनके सामने बैठ के पढ़ाएं, या खुद बैठे, या ऐसी जगह पढ़ाएं कि आप उसको हर वक्त वॉच कर रही हो, आप उनको अनअटेंटिव नहीं छोड़ सकते। इसी तरह आपके ट्यूटर्स हैं कि आप जैसे होम ट्यूशन डाल देते हैं या बच्चों को कहीं भेज देते हैं, तो आपने ये देखना है कि वो किस सूरत हाल में किन से पढ़ रहा है और कौन कौन लोग वहां मौजूद हैं। ये अल्लाह ताला क्यों इतनी डिटेल से सारी बातें बता रहे हैं? आप कह रहे होंगे कि आज क्लास का वक्त खत्म हो गया और आयत नंबर 31 नहीं खत्म हुई, वो अभी तक वाकई नहीं खत्म हुई, क्योंकि ये तमाम चीजों का अगर हम सद्देबाप करेंगे तो फहाशी का भी सद्देबाप होगा। ये जो जना का कल्चर है, ये जो फहाशी का कल्चर है, वो भी तभी खत्म होगा कि जब हमें पता होगा कि एक औरत से तन्हाई में नहीं मिलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी जायज नहीं रखा कि किसी मर्द का हाथ किसी गैर महरम औरत के जिस्म को लगे, चुनाचे आप मर्दों से बैत तो हाथ में हाथ लेके करते, लेकिन औरतों से बैत लेने का तरीका ये होता था कि आपने कभी अख्तियार नहीं किया, आपने किसी औरत को तन्हा या किसी गैर महरम के साथ सफर करने से सख्ती से मना फरमाया। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो हमें हमारी हमारे ही बेनिफिट के लिए, औरतों के बेनिफिट के लिए हैं। इन तमाम चीजों में आप ये देखें, थे मैंने आपको पहले भी बताया था घर में जब हो तो इजाजत लेके जाए, क्योंकि घर ऐसी जगह होती है जहां आपकी प्रिवेसी होती है, और घर क्या होता है सुकून पाए, क्योंकि घर को अल्लाह ताला ने क्या बनाया था सुकून की जगह। लेकिन जितनी दुनिया तरक्की करती जा रही है उतने ही घरों की प्रिवेसी खत्म होती जा रही है। कैसे? मसलन टेलीफोन की शक्ल में, ठीक है, मोबाइल की शक्ल में, और ये जो LEDs और आपका नेट है इन सब की शक्ल में। आप किसी के घर जाके नॉक करें,
वहां पे भी इजाजत ना मिली तो क्या करेंगे, फोन कॉल करेंगे, फोन कॉल में अगर कोई सो रहा है तो कहेंगे उठो अटेंड करो, नमाज अगर आप पढ़े तो जल्दी खत्म करो, वॉशरूम जा रहे हैं आए जी बेल बज रही है पता नहीं कौन है क्या है, तो ये तमाम चीजें जो है आपका घर का सुकून भी जो है ऐसी खराब कर देती है। अगर आप टेलीफोन अटेंड नहीं करते तो माइंड किया जाता है, हैं? और फिर उसके बाद आप दोबारा फोन उसका उठाते हैं तो वो फिर पिछली सारी कहानी सुनाएगी, हमने तुम्हें इतनी दफा फोन किया, तुम्हारा तो खून सफेद हो गया है, तुम तो मिलती नहीं हो, तुम तो पता नहीं अपने आप को क्या समझ बड़ी चीज समझती हो, और ये है और वो है सब चीजें। तो आप ये देखें कि हमें अल्लाह ताला ने ये जो तमाम आयात के जरिए हम औरतों के लिए अल्लाह ताला ने ये रहमत की है, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरी है। क्या कहा गया, सतर को ढांके, निकाहों की हिफाजत करें, और अल्लाह ताला हमें जो है इन तमाम चीजों पे अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अभी बहुत कुछ मैं कहना चाह रही थी लेकिन बहुत कुछ है क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा अहकाम आता है, अगर आप इसको डिटेल से इसका एक एक लफ्ज और एक एक चीज पे अगर हम फोकस करें। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नाका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नाका हमीदुल मजीद।